हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोनेट 66, जिसे लिखा है शेक्सपियर ने। और उन्होंने इस सोनेट 66 की टाइटल लिखी है, ट्राइड फॉर ऑल दीज फॉर रेस्टफुल दैट आई क्राई। इस सोनेट में दोस्तों शेक्सपियर ने दिखाया है कि किस प्रकार एक गरीबी में पैदा हुआ बच्चा को कुछ नहीं मिलता जबकि वो काबिल होता है और हम उसे दबाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि सोनेट 66 उन्होंने किस आधार पर लिखा। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ दोस्तों 26 अप्रैल 1564 में और इनकी मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1616 में। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 39 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे दोस्तों। विलियम शेक्सपियर जो थे दोस्तों, वो एलिजाबेथ इरा के बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोइट थे जो कि इंग्लिश इरा में थे। इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे, प्लेज लिखे। वो एक्टर भी रहे, पोइट भी रहे और प्ले राइटर भी रहे। इन्होंने बहुत सारे प्लेज में एक्टिंग भी की। और आज हमें सोनेटों के बारे में जानना है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सोनेट होते क्या हैं। तो सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का एक राइम होता है। ये अधिकतर 14 लाइन्स में पाया जाता है और इसमें दो सेक्शंस होते हैं दोस्तों। पहला सेक्शंस में अगर 8 लाइन्स हैं तो उसे ऑक्टेट कहते हैं और 6 लाइन है तो सेटेट्स कहते हैं। सोनेट्स जो थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इटालियन सोनेट्स लिखे गए और इटालियन पोएनोटो ने लिखा, जिसमें से एक फेमस थे हमारे शेक्सपियर। इन्हें उन्होंने जो सोनेट्स लिखे हैं इसे इटालियन सोनेट कहते हैं और कभी कभी इसे पेट्राचन सोनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी सोनेट्स के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे शेक्सपियर के 66 सोनेट्स को। इस सोनेट्स में 14 लाइन्स है जिसे मैंने 7-7 लाइनों में बांटा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्राई विथ ऑल दीज फॉर रेस्टफुल दैट आई क्राई As behold, desert a beggar born, and needy, nothing tremble in jeopardy, and purest faith unhappy forworn, and gilded honor shameful misplaced, and right perfects wrongfully discards, and madden virtue rudely stempled. इन लाइनों में पोइट कहते हैं कि मैं चीखता हूँ मरने के लिए, क्योंकि जो योग्य है और वो गरीब है इसलिए उसे योग्य नहीं माना जाता, और वो अपने सबसे अच्छे कपड़ों में जो वो अफोर्ड कर सकता है वो आया है, उसमें भी वो अपमानित किया जाता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्योंकि वो बेगर बॉर्न यानी गरीब है। पोइट कहते हैं कि जिसको ज़रूरी था, जिसे सक्सेस की ज़रूरत थी, उसे नहीं दिया गया जबकि वो योग्य था। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। उसे ना कभी खुशी मिली, ना कभी उसे किसी ने विश्वास किया, हमेशा उसे विश्वासघात ही मिला। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। उसे बेइज्जत किया गया, उसे गलत प्रूव किया गया। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। उसे इतना तक कह दिया गया कि इससे दूर रहो, ये विश्वासघाती है। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। योग्य था पर उसे मिला नहीं, क्योंकि वह गरीब था। अब आगे की लाइनों में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि पोइट आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ बाय लैम्पिंग स्टे डिसेम्बल एन आर्ट मेड टंग ट्राइड बाय ऑथोरिटी एंड फॉली डॉक्टर लाइक कंट्रोलिंग स्किल एंड सिंपल ट्रूथ मिस कॉल्ड सिंप्लिसिटी एंड कैप्टिव गुड अटेंशन कैप्टन इल ट्राइड विथ ऑल दीज फॉर दीज कुड आई बी गॉन सेव दैट टू डाई आई लीव माई लव अलोन। इन लाइनों में पोइट कहते हैं कि उन्हें दबा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारियों के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि वह गरीब थे। उनमें स्ट्रेंथ थी कुछ कर दिखाने की, पर उन्हें दबा दिया गया। वो हट गए उन लोगों से जिनके पास पैसे थे। पोइट आगे कहते हैं कि ज्ञान की गरिमा को गिरा दिया गया, उन डॉक्टरों को और उन कंट्रोलों को हटा दिया गया जो कि लायक थे, जो इस चीज़ को अच्छे से निभा सकते थे, उन्हें हटा दिया गया। यह योग्यता के साथ खिलवाड़ है और इसको मूर्खता ही कहेंगे।
पोइट कहते हैं कि सच्चाई को दबाने से हम अपने ही साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो योग्य हैं वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे और जो अयोग्य हैं वो पैसे देकर बन जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? दुनिया खत्म हो रही है, हर जगह बस भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं मरना चाहता हूँ पर मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो प्यार है उसे मैं उसे छोड़ दूँगा, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। अगर दोस्तों आपको ये सोनेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगले सोनेट्स की फरमाइश करें। थैंक यू दोस्तों।